गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे थे हीट चैप्टर में हमारे टू लेक्चर्स हैज़ बिन कम्पलीटेड जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वट इज़ हीट हीट क्या होता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हीट देन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टेम्परेचर स्किल्स टेम्परेचर के हमने तीन स्किल्स पढ़े थे डिग्री सेल्सियस स्केल डिग्री फारानाइट एंड द डि स्केल इन तीनों में हम इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं वो हम लोगों ने सीखा द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज कंडक्शन द टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट हीट ट्रांसफर मेथड ओके इन द चैप्टर हीट ही नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर ओके सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कि किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट किस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है ओके सो देयर आर थ्री मैथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर तीन मैथड से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं फर्स्ट मैथड इज कंडक्शन सेकेंड मैथड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड मैथड इज रेडिएशन ओके सो तीन मेथड्स की हेल्प से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं फर्स्ट वन इज कंडक्शन सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडक्शन क्या होता है कन्वेक्शन क्या होता है एंड रेडिएशन क्या होता है देखिए हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस अब तीनों ही मीडियम में हमारी हीट ट्रांसफर हो सकती है सॉलिड्स में भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी लिक्विड या गैसेस के थ्रू भी हमारी हीट ट्रांसफर हो सकती है एंड बट तीन मीडियम के अलावा एक और चीज होती है दैट इज वैक्यूम सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर इन तीनों मीडियम में से कोई मीडियम नहीं है मीन देर इज नो सॉलिड देर इज नो लिक्विड एंड देर इज नो गैस जहां कोई मीडियम नहीं होता दैट इज कॉल्ड वैक्यूम अभी कहाँ मिलता है मैम देखिए जो स्पेस है स्पेस में हमारी क्या होता है वैक्यूम होता है अगर हम अज्यूम करें कि सन से हमारे पास लाइट एनर्जी आ रही है लाइट के साथ साथ हमारे पास हीट एनर्जी भी आ रही है सन से जब भी अर्थ तक हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वहाँ पर उस बीच में दैट इज़ वहाँ पर क्या होता है वैक्यूम होता है उस वैक्यूम में भी हमारी हीट ट्रांसफर होती है सो so, हीट हमारी सॉलिड्स लिक्विड गैस एंड वैक्यूम इन चारों में ट्रैवल होती है और इन चारों में हीट ट्रैवल के डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स होते हैं देखिए फर्स्ट मैथड है हमारा कंडक्शन मैथड देखिए जो कंडक्शन मैथड होता है कंडक्शन मैथड इज़ फॉर सॉलिड्स सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ कंडक्शन प्रोसेस मीन्स इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर विल बी डन बाय कंडक्शन मेथड। प्रोसेस से जो हीट ट्रांसफर होती है दैट लिक्विड और द गैसेज लिक्विड एंड गैसेज में जो हीट ट्रांसफर होती है लास्ट वन इज द रेडिएशन रेडिएशन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हमारे वैक्यूम में होती है हीट ट्रांसफर जिस प्रोसेस से होती है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन मीन्स हमारे फोर टाइप्स फोर मीडियम फोर होंगे जिसमें हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है फर्स्ट वन इज सॉलिड सेकेंड इज लिक्विड एंड गैसेज एंड फोर्थ वन इज वैक्यूम सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर की प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडक्शन लिक्विड एंड गैसेस में हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वेक्शन एंड इन द वैक्यूम वैक्यूम में जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है रेडिएशन अब इन सब में सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्शन प्रोसेस को कि कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है ओके सो फर्स्ट वन इज कंडक्शन प्रोसेस सबसे पहले हमें यह समझ में गया कि कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर किसमें होता है इन विच मीडियम इट विल हैपन इन सॉलिड्स सॉलिड्स में दिस इज द प्रोसेस बाय विच हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर बॉडी बाय इन सॉलिड्स इन सॉलिड्स में जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर होगी दैट इज कॉल्ड अ कंडक्शन प्रोसेस ओके अब देखो कंडक्शन होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होनी जरूरी है सबसे पहली कंडीशन वो हम लिख चुके हैं फर्स्ट कंडीशन इज द सब्सटेंस शुड बी इन सुड शुड बी सॉलिड मीन्स जो सब्सटेंस है सब्सटेंस क्या होगा हमारा सॉलिड होगा ठीक है सॉलिड होना जरूरी सिर्फ सॉलिड्स में ही हीट ट्रांसफर कंडक्शन मेथड से पॉसिबल है सेकेंड देखो सपोज ये दो सॉलिड्स हैं इसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और दूसरी बॉडी है जिसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अब हीट ट्रांसफर होगी दोनों बॉडीज में हीट ट्रांसफर पॉसिबल है क्योंकि दोनों कैसे हैं सॉलिड्स हैं दोनों सॉलिड्स हैं लेकिन जब तक क्या अगर हम इन्हें एक डिस्टेंस पर रखें तो क्या कंडक्शन प्रोसेस या हीट ट्रांसफर पॉसिबल है आंसर इज नो बोथ बॉडीज बोथ ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्ट सो कॉन्टेक्ट शुड बी नेसेसरी टू ट्रांसफर द हीट हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या जरूरी है बॉडी शुड बी इन कॉन्टैक्ट सो सेकेंड कंडीशन विल बी ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्ट नाउ द थर्ड वन अगर एक आपकी 50 डिग्री सेल्सियस की का ऑब्जेक्ट है और दूसरा भी 50 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट है फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई सब्जेक्ट सॉलिड्स है. सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई कि दोनों कांटेक्ट में बट क्या अब यहां पे हीट ट्रांसफर होगा देन आंसर विल बी नो हीट ट्रांसफर क्यों नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है सेम है अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा टेम्परे हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर होता है सेम टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर नहीं होगी सो टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट सो थर्ड कंडीशन विल बी ओके okay. सो so, अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले हीट ट्रांसफर के मेथड हमने देखे हैं तीन मेथड से कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंडक्शन जो कि किस में होगा ओनली इन सॉलिड्स तीन कंडीशन है सब्सटेंस कैसा होना चाहिए सॉलिड होना चाहिए उसके बाद दोनों बॉडीज कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि, कि कंडक्शन प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कैसे होता है ये समझ आ गया कि सॉलिड्स में होता है टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए लेकिन होता कैसे है हाउ हाउ इट इज हैपन सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ दी ट्रांसफर इन अ कंडक्शन प्रोसेस कंडक्शन प्रोसेस में ही ट्रांसफर कैसे होता है देखिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट है सपोज एक का टेम्परेचर है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस दूसरे का टेम्परेचर है टेन डिग्री सेल्सियस दोनों सॉलिड्स हैं दोनों कॉन्टेक्ट में हैं और दोनों ही दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है अब इस कंडीशन में क्या होगा देखो जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी बॉडी को हीट मिलती है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगते हैं ओके okay, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई और एनर्जी मिलने के बाद वो अपनी जगह से मूव करने की कोशिश करेगा बट इन सॉलिड्स सॉलिड्स में इनका इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है दैट इज सो स्ट्रांग स्ट्रांग होने के कारण सपोज ये दो पार्टिकल है अभी दो पार्टिकल मूव कर रहा है ठीक है अब ये दो पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉ है तो ये पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा जा तो ये आपके मॉलिक्यूल्स है इस बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स अब क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल्स तेजी से मूव कर रहे होंगे पार्टिकल हीट एनर्जी लेके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी होगी और ये पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा जैसे कि अगर हम देखें कि बस में अगर एक सीट पर टेन पर्सन बैठे हुए हैं टेन पर्सन एक जगह पर बैठे हुए हैं अगर हम फर्स्ट वाले को शेक करें तो धीरे धीरे वो दस के दस जो टेन हैं सारे के सारे क्या करने लग जाएंगे मूव करने लग जाएंगे वाइब्रेट करने लग जाएंगे उसी तरीके से जैसे ही हम इस पार्टिकल को हीट एनर्जी देंगे वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा ये वाइब्रेट होगा इस पार्टिकल के वाइब्रेट होने के कारण इसके पास वाला पार्टिकल वाइब्रेट होगा और इस तरीके से वाइब्रेशन ड्यू टू वाइब्रेशन आपकी हीट एनर्जी क्या होगी वन बाय वन ट्रांसफ़र होती जाएगी सो मीन्स हीट एनर्जी बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण वन बाय वन क्या हो रही है ट्रांसफर हो रही है और ये जैसे जैसे वाइब्रेट होंगे वैसे वैसे ये हीट ट्रांसफर होगी और हीट किसको मिलती जाएगी जिसका टेम्परेचर लो है ठीक है सो हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मॉलिक्यूल खुद चल के गया ये जो 50 डिग्री सेल्सियस का मॉलिक्यूल है इस बॉडी के अंदर का जो मॉलिक्यूल है क्या ये मॉलिक्यूल खुद चल गया, 10 के गया टेन डिग्री सेल्सियस के ऑब्जेक्ट को हीट देने देन आंसर इज नो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहा है इट इज़ नॉट मूविंग जो पार्टिकल है इट इज नॉट गोइंग एल्स कहीं पर भी नहीं जा रहा है सिर्फ ये अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहा है और ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है मीन्स हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर वन बाय वन बट पार्टिकल विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं होगा सिर्फ वो क्या करेगा वन बाय वन हीट ट्रांसफर करेगा सो इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर बाय वाइब्रेशन Of medium particle. The important thing particle will not move from its position. सिर्फ वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होगा इट विल नॉट मूव यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएगा अपनी जगह से मूव नहीं होगा सिर्फ अपनी जगह पर क्या करेगा वाइब्रेट करेगा सो दिस इज द मेथड जिस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू द अनादर बॉडी डन ओके सो इस तरीके से हमें पता अच्छा अब हमें कंडक्शन प्रोसेस में ये समझ में आया कि जो मीडियम पार्टिकल है मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अब जस्ट इमेजिन क्या कंडक्शन प्रोसेस से पॉसिबल है कि वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर हो जाए अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है वेयर देर इज नो मीडियम ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना ही गैस है अगर वहाँ तीनों मीडियम नहीं है तो क्या हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है बाय कंडक्शन प्रोसेस क्योंकि कंडक्शन में हमें क्या चाहिए मीडियम पार्टिकल चाहिए और यही मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट होकर क्या ट्रांसफर करेंगे एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे मीन्स इन द वैक्यूम इट इज नॉट पॉसिबल हीट ट्रांसफर बाय अ कंडक्शन प्रोसेस ओके सो हीट एनर्जी सिर्फ सॉलिड्स में बाया कंडक्शन प्रोसेस ट्रांसफर होगी सी अब हमारे बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं सॉलिड्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं अब उन सॉलिड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं कुछ मटीरियल्स हीट एनर्जी को इजीली ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ मटेरियल हीट एनर्जी को इजीली ट्रांसफर नहीं करते तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर देर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम देर आर टू टाइप्स ऑफ मटीरियल टू टाइप्स ऑफ मटीरियल है जो कि हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे Now we will see what are the types of material. So, there are two types of material. First one is good conductor, and second one is bad conductor or a poor conductor. So, there are two types. First one is good conductor, and second one is bad conductor, or we can say it is a कंडक्टर ओके okay. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड कंडक्टर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड कंडक्टर ठीक है गुड कंडक्टर वो मटेरियल होंगे वो सब्सटेंस होंगे जो कि हीट एनर्जी को इज़ीली पास करवाएंगे ओके okay. वो मटेरियल्स दो सब्सटेंस विच कैन इजीली ट्रांसफर द हीट आर कॉल्ड अ गुड कंडक्टर ओके सो वो सब्सटेंस विच कैन पास दीट heat. So, heat जो हीट को इजीली पास करेंगे गुड कंडक्टर एंड वॉट आर बैड कंडक्टर जो कि हीट एनर्जी को इजिली पास नहीं कर पाएंगे अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे विच आर द गुड कंडक्टर एंड विच आर द बैड कंडक्टर सो गुड कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे जस्ट लाइक like, अगर हम बात करें सिल्वर गोल्ड ओके कॉपर सो so, ये सारे जो भी मेटल्स हैं ऑल मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर जो भी हमारे मेटल्स हैं मेटल्स आर आ गुड कंडक्टर अच्छा अभी क्वेश्चन ये आता है कि वाई मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में भी कंडक्टर जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती है अगर हम हीट की बात करें तो हीट में भी हीट में भी जो हमारी मेटल्स हैं वो क्या है गुड कंडक्टर है वाई मेटल्स मेटल्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आपकी हमेशा गुड कंडक्टर होती है चाहे वो हीट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी सो so, इसका रीजन होता है अगर हम इसके रीजन की बात करें तो इसका रीजन होता है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ओके मेटल्स के अंदर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते है? ये कर हैं ये फ्री एक पाथ प्रोवाइड करवाते हैं टू फ्लो द करंट और अ हीट हीट को फ्लो होने के लिए एक पाथ की जरूरत होती है किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए एक पाथ की जरूरत होती है जैसे लाइक हम लोग जब चलते हैं तो हमें एक पाथ चाहिए होता है जैसे हम बोलते हैं रोड वाटर को फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए होता है करंट को फ्लो होने के लिए पाथ चाहिए होता है जिसको बोलते हैं हम सर्किट इसी तरीके से हीट को भी फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए होता है तो वो पाथ प्रोवाइड करवाता है कौन फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो इन अ मेटल्स देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट्स व्हाई दीज आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी दोनों की क्या होती है ये गुड कंडक्टर्स होती हैं ओके okay, अब देयर इज अ देयर इज अ नॉन मेटल जो क्या होती है गुड कंडक्टर होती है अभी हमने बोला मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर बट नॉन मेटल जो क्या है गुड कंडक्टर है एक्सेप्शन इन नॉन मेटल जो की क्या होती है गुड कंडक्टर होती है अभी हमने बात करी जो कंडक्टर अच्छा तो यहाँ पे हमें पता चल गया जो की करंट जो की हीट को इजिली पास करा है दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर एग्जाम्पल हो गए सिल्वर गोल्ड और ऑल मेटल इसका रीजन क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स के अंदर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ओके अब इसके बाद हम बात करते हैं बैड कंडक्टर्स की कि बैड कंडक्टर क्या होते हैं बैड कंडक्टर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट पास हीट एनर्जी विच कैन नॉट पास हीट एनर्जी इजीली जो हीट एनर्जी को इजीली पास नहीं करेंगे दि आर कॉल्ड अ बैड कंडक्टर उसी को हम बोल देंगे बैड कंडक्टर अब बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो हमारी नॉन मेटल्स हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे जस्ट लाइक रबर प्लास्टिक वुड पेपर ये सारे हमारे क्या है बैड कंडक्टर और वी कैन से इट्स अ पोअर कंडक्टर जो कि हीट एनर्जी को पास नहीं कर पाता है ठीक है अब इसका रीजन सेम कि ये हीट एनर्जी को पास क्यों नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन दैट्स व्हाई इट कैन नॉट पास द हीट ओके अब हम इसमें एक और चीज बोलेंगे जो हमारे लिक्विड्स या गैसेस होती है दीज आर ऑल्सो अ बैड कंडक्टर लिक्विड्स एंड गैसेस लिक्विड एंड गैसेज आर ऑल्सो अ बैड कंडक्टर दी दीज आर ऑल्सो अ बैड कंडक्टर क्योंकि लिक्विड और गैसेस में नॉट बाय द कंडक्शन कंडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर नहीं होती उनमें किस किसके थ्रू ही ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन के थ्रू इसीलिए पोअर कंडक्टर के में के अंदर आते हैं बट देसो एक्सेप्शन ठीक है मीन लिक्विड में से भी एक है जो कि गुड कंडक्टर होता है हीट का गुड कंडक्टर होता है और वो क्या होता है लिक्विड में जो गुड कंडक्टर है दैट इज मकरी मर्करी आपका कैसा है गुड कंडक्टर इसीलिए थर्मोमीटर के हम अंदर हम किस मटीरियल का यूज करते हैं दैट इज mercury because mercury is the exception which is in the liquid which is in the form of liquid but still it is a good conductor, good conductor of heat hota then. So, this is the basic difference between a good conductor and the bad conductor which can, uh, which can easily pass the heat that is called good conductor. Examples are silver even all metals are the good conductor exception in an all metal is a graphite and liquid is a mercury. Bad conductors which does not pass the electricity एग्जाम्पल्स नॉन मेटल्स लाइक अ रबर प्लास्टिक वुड पेपर एंड लिक्विड एंड गैसेज लिक्विड एंड गैसेज आर ऑल्सो अ बैड कंडक्टर बट इन अ लिक्विड एंड लिक्विड देर इज अ मर्करी विच इज अ गुड कंडक्टर ओके सो दिस इज अ स्मॉल क्लासिफिकेशन बिटवीन अ कंडक्टर गुड कंडक्टर एंड अ बैड कंडक्टर नाउ नाउ वी विल सी वॉट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट जिस चीज को हम इतना पढ़ रहे हैं उसका कुछ यूज भी होगा रियल लाइफ में सो वॉट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स और बैड कंड बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर एंड द बैड कंडक्टर्स के एप्लीकेशन ओके फर्स्ट वन हम देख रहे हैं कि गुड कंडक्टर की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो हीट को ईजीली ट्रांसफ़र करता है ओके सो इसीलिए ऑटोमोबाइल्स में ऑटोमोबाइल्स में जो भी हमारी ऑटोमोबाइल्स में जो भी हमारी रेडिएटर्स होते हैं रेडिएटर्स के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं गुड कंडक्टर का यूज़ करते हैं विच इज़ कॉपर ठीक है सो कॉपर इज़ यूज ना ऑटोमोबाइल रेडिएटर ऑटोमोबाइल्स में कार्स या हम जो बाइक्स की बात करें तो उसमें जो रेडिएटर होता है रेडिएटर का, का काम होता है अंदर इंजन होता है इंजन इंजन के इंजन की वॉकिंग के कारण वहाँ पे काफी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है उस हीट एनर्जी को बाहर तक लाने का काम करती है हमारे रेडिएटर्स ओके okay. सो so, उस हीट एनर्जी को बाहर तक लाने का काम रेडिएटर्स करते हैं और वो रेडिएटर बना हुआ होता है गुड कंडक्टर का दैट इज कॉपर सो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन हो गया आपका एज रेडिएटर दीज आर ऑल्सो मेडअप ऑफ गुड कंडक्टर क्योंकि वी वॉन्ट टू कुक आर फूड सो फूड को कुक करने के लिए हीट एनर्जी जल्दी ट्रांसफर होनी चाहिए और हीट एनर्जी को जल्दी ट्रांसफर कौन करवाता है गुड कंडक्टर सो

थर्मोमीटर में हम गुड कंडक्टर का यूज़ करते हैं दैट इज़ मकर ओके एयर कंडीशनर या फिर एयर कंडीशनर में जो कूलिंग ट्यूब्स होती हैं एयर कंडीशनर में जो कूलिंग ट्यूब्स होती हैं जिसका काम होता है अंदर की हीट को बाहर ट्रांसफ़र करना अंदर एटमोसफियर कूल cool रहे है और बाहर सारी हीट को बाहर ट्रांसफ़र कर दे सो दैट इज़ कूलिंग ट्यूब उस कूलिंग ट्यूब वो कूलिंग ट्यूब भी अब किसकी बनी हुई होती है गुड कंडक्टर की क्योंकि उसका काम क्या है हीट को ट्रांसफ़र करना सो फोर्थ वन इज़ ए सी की कूलिंग ट्यूब भी आपकी बनी हुई होती है गुड कंडक्टर की तो ये देर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर के हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन है तो उसी तरीके से बैड कंडक्टर की भी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगी देखिए जो बैड कंडक्टर होता है जस्ट लाइक like अगर हम बात करें इन विंटर सीजन ठीक है जो वुलन्स होते हैं वुलन्स में वुलन्स हम पहनते हैं तो वुलन्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं उन होल्स में क्या होता है एयर एयर वहाँ पे एयर उसका स्पेस ले लेती है जो भी हमारे बुलेंस में होल्स होते हैं उन होल्स में एयर फिक्स हो जाती है एयर वे भी, भी देयर ठीक है तो एयर उस होल को फिल कर देती है एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट अब एयर क्या करेगी बैड कंडक्टर होने के कारण जो अंदर की हीट है उसको बाहर ट्रांसफर नहीं होने देगी मीन्स जो बॉडी टेम्परेचर विल नॉट फॉल जो बॉडी टेम्परेचर है वो फॉल नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर सो मीन्स बाहर टेम्परेचर लो है बट स्टिल हीट इज नॉट ट्रांसफरिंग ड्यू टू द एयर एयर के कारण हीट ट्रांसफर नहीं होगी और हीट ट्रांसफर नहीं होगी मीन्स बॉडी विल बी वॉर्म सो दैट्स वाई बैड कंडक्टर इज यूजफुल देअ ओके सो दिस इज द होल इंट्रोडक्शन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडक्शन सो कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट विल बी ट्रांसफर इन सॉलिड्स उसके बाद हमने देखा कि कैसे होता है बाय द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं जिसके कारण हीट ट्रांसफर होती है आफ्टर दैट हमने देखा कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं कंडक्शन प्रोसेस इसके वॉट आर द टाइप्स ऑफ मटीरियल सो देर आर टू टाइप्स गुड कंडक्टर एंड द बैड कंडक्टर देन वी विल सी द एग्जाम्पल्स एंड आफ्टर दैट वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ इट ओके ओके स्टूडेंट सो दिस इज द चैप्टर ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द कंडक्शन थैंक यू सो मच